अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी पंजाब या डी झारखंड। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर, समीक्षा भवन में भागलपुर और नौगछिया न्यायालय के लोक अभियोजन की बैठक आयोजित। भागलपुर के समाहर न्यायालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में भागलपुर और नौगछिया न्यायालय के लोक अभियोजन की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान डीएम ने 2019-20 के सरकारी मुकदमों की प्रगति की अद्यतन स्थिति को जाना और मुकदमों को तेजी से निष्पादित करने का निर्देश भी दिया। साथ ही केस के दौरान मेडिकल में आ रही परेशानी को लेकर भी मेडिकल ऑफिसर को निर्देशित करते हुए कहा कि घायल को किसी भी तरह की कोई मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो तो उसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं, जिससे कोर्ट में मुकदमा की संख्या में कमी आ सके। बैठक के दौरान भागलपुर के सीनियर SP आशीष भारती, नौगछिया के SP स्वप्ना जी मिश्रा, ADM राजेश झाराजा सहित नौगछिया भागलपुर कोर्ट के सभी सरकारी लोक अभियोजक मौजूद थे। हम तो अपना स्पेशल एक्स्ट्रा टेबल बोला। समीक्षात्मक बैठक समीक्षात्मक भवन में हुई। DM साहब, SSP साहब और सिविल सर्जन साहब, नौगछिया के SSP साहब सभी लोग थे और इसमें हर केस के बिंदुवार सभी APPs और PPs से समीक्षात्मक बैठक हुई। कितना डिस्पोजल हुआ, कितना सजा दिलाई गई, इस बैठक पर दिशा निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए अच्छा काम करें और इस के तहत अगर कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी होती है तो हम लोग के पास लिखित आप प्रतिवेदन दें ताकि हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई कर सकें। और सिविल सर्जन भी थे, जैसे इंजुरी रिपोर्ट वगैरह से संबंधित कुछ बातें उनको भी बताई गई। प्लस हमारा, हम स्पेशल एक्ट पॉक्सो के हैं, शंकर जय किशन मंडल। हमारा था कि यहाँ पॉक्सो में इस बार जो हमने निष्पादन कराया वो था, जैसे 2020 में हमारा 8 केस यहाँ से निष्पादन हुआ, उसमें 6 को सजा हो गया, 2 को सजा के बिंदु पर रखा गया है, 4 1-1 को और 1-5 1-1 को। और इसमें एक चीज़ बातें आई कि DM सर ने एक निर्देश दिया कि जिसको हम लोग यहाँ दोषी कराते हैं तो पहले मुंगेर भेजा जाता था, लेकिन मुंगेर से आने में सजा के बिंदु के दिन वो नहीं पहुँच पाते थे, इसलिए उसको नौगछिया के लिए मतलब कि रिक्वेस्ट किया गया है कि नौगछिया में ही रखा जाए। ठीक है, हम शंकर के संबंधन स्टेशन के पहुँचे। फूड प्लाजा की प्रस्तुति, न्यू ईयर 2021, पार्टी सेलिब्रेशन 31 दिसंबर थर्सडे संध्या 6:30 बजे, DJ वेट्स, DJ म्यूजिक एवं सिंगिंग के साथ फूडिंग सॉफ्ट ड्रिंकिंग फ्री। बस एंट्री चार्ज मात्र 599 में एवं बच्चे की एंट्री 399 में, जिसमें एक ही टिकट में कपल या फैमिली की एंट्री। टिकट की बुकिंग शुरू है, संपर्क करें फूड प्लाजा के रिसेप्शन काउंटर या कॉल करें 7992499821। भागलपुर, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस के अवसर पर निकाला तिरंगा यात्रा। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भागलपुर में तिरंगा यात्रा निकाला गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष परवेज जमाल के नेतृत्व में भागलपुर के स्टेशन चौक से तिरंगा यात्रा वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक होते हुए कांग्रेस कार्यालय दीपनगर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान हाथों में तिरंगा लिए शामिल कांग्रेसी कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारा लगाते दिखे। तिरंगा यात्रा में शामिल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए इसे देश के लिए खतरा बताया। जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबको विशेष गाइडलाइन दिया कि उसको फॉलो किया जाए। मास्क का जो भी है, कोविड का जो गाइडलाइन आ रहा है उसको
लेकिन उसको जो है एकदम सख्ती से जो है पालन करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। गाइडलाइन का पालन तो नहीं हो रहा आपके टीम में? गाइडलाइन का पालन, बिना मास्क के बहुत लोग दिख रहे हैं। हम तो सबके पास पॉकेट में मास्क होगा, पॉकेट में मास्क तो लोग रखते ही है। पॉकेट में मास्क आप जैसे देखिए, आपको हम दिखला रहे हैं, यह मास्क जो है हम लाया, ये टूट गया है ना, ये टूट गया टोटल आदमी का एक सेट। हमने फिर ये दूसरा मास्क लिया, इसलिए कि जो है सोशल जो है डिस्टेंसिंग को भी जो है फॉलो करना है और उस गाइडलाइन को फॉलो करना है। हम लोग का बेसिक ये है कि आज जो किसानों के विरुद्ध जो वातावरण मोदी सरकार ने तय किया है, किसानों को जान से मारने का जो है प्लान जो है वो चंद मुट्ठी भर जो है पूंजीपतियों के इशारे पर किया है, उसके लिए भी हम लोग जो है यहाँ से मार्च निकालेंगे और किसान को उसका हक दिलवाएंगे, चाहे वो जैसे भी हो। केंद्रीय पशुपालन मंत्री कह रहे हैं कि किसानों के हित में ये बिल लाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भी जो है अपना विरोध दर्ज किया। आप देखिए ना, धीरे धीरे सारे लोग जो है वो किसान, चूँकि आप भी किसान के है परिवार से आते होंगे, आपके पूर्वज किसान का परिवार से आते, हम भी किसान परिवार से आते, यहाँ पर पुलिस खड़े हुए हैं या जो भी लोग हैं वो किसान परिवार से आते हैं। आज किसानों को जो प्रताड़ना दिया जा रहा है, इस जो है हार मास को कपाती हुई ठंड में किसान पर बारिश की बौछार की जा रही है, किसानों को जो है आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, तो मोदी सरकार आप होश में आइए, इसलिए कि आप यहाँ के जो है हिटलर शाही नहीं चलेगी, आप यहाँ के राजा नहीं हैं, आपको जनता ने इसी किसानों ने गद्दी पर बैठाया था और उसी किसान का अन्नदाता है। परवेज जमाल, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी। भागलपुर, एटीएम क्लोनिंग करने वाले साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, 46 एटीएम कार्ड, 3 स्वाइप मशीन बरामद, 3 ठग गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस ने 3 बड़े साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। तीनों साइबर अपराधी लोगों के एटीएम का क्लोन बनाकर खाते से पैसे उड़ाने का काम करते थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एक विशेष टीम ने शहर के भावना इंटरनेशनल होटल से ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों साथियों में 2 झारखंड का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वो जिले में ठगी करने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे। वहीं पुलिस को अपने गिरोह के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वे सभी बिहार, बंगाल और झारखंड में कई बार ठगी का अंजाम दे चुके हैं। दिनांक 26 दिसंबर 2020 को मुझे यह सूचना मिली थी कि होटल भावना इंटरनेशनल में कुछ व्यक्ति बाहर के आए हुए हैं और वो साइबर अपराध करते हैं और भागलपुर में भी वो साइबर अपराध करने के लिए आए हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए SHO जोक्सर को निर्देशित किया गया, जिनके द्वारा तुरंत अपनी टीम के साथ वहाँ पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 3 व्यक्ति वहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम है नीलेश कुमार, दयानंद कुमार तथा विनोद कुमार। इसमें से 2 व्यक्ति फतेहपुर के रहने वाले हैं, जो कि फतेहपुर थाना जिला गया के रहने वाले हैं, और तथा 1 व्यक्ति कोडरमा झारखंड का रहने वाला है। इनके पास से जब उसकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 3 ATM स्वाइप मशीन बरामद किया गया है और विभिन्न बैंकों के कुल 46 ATM कार्ड बरामद किया गया है, कुल 7200 रुपया नगद बरामद किया गया है, 4 मोबाइल बरामद किया गया है तथा 1 वैगनार कार बरामद किया गया है। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा जो बताया गया है कि ATM क्लोनिंग का काम करते हैं और इनके पास से ATM क्लोनिंग करने से संबंधित सामान बरामद किया गया है। इनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि कई लोगों के ATM के कार्ड का क्लोन बना करके तथा ATM कार्ड का हेराफेरी करके बहुत से लोगों के साथ इन्होंने ठगी किया है और इसी उद्देश्य से ये लोग भागलपुर आए हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि कई जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं या जिनको जो नए होते हैं इसको नहीं समझते हैं, उनके द्वारा जब हेल्प मांगा जाता है तो उसी क्रम में उनके द्वारा उसको क्लोन कर लिया जाता है। अपने पास ये मशीन रखते हैं जो पोर्टेबल मशीन होता है और उसके बाद उसको पूरा डेटा को उसको लैपटॉप या कंप्यूटर पर करके फिर एक दूसरे मशीन में उसको डाल करके और वहाँ से जो प्लेन जो कार्ड
सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर समीक्षा भवन में भागलपुर और नौगछिया न्यायालय के लोक अभियोजन की बैठक आयोजित। भागलपुर के समाहार न्यायालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में भागलपुर और नौगछिया न्यायालय के लोक अभियोजन की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान डीएम ने 2019-20 के सरकारी मुकदमों की प्रगति की अद्यतन स्थिति को जाना और मुकदमों को तेजी से निष्पादित करने का निर्देश भी दिया। साथ ही केस के दौरान मेडिकल में आ रही परेशानी को लेकर भी मेडिकल ऑफिसर को निर्देशित करते हुए कहा कि घायल को किसी भी तरह की कोई मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो तो उसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं, जिससे कोर्ट में मुकदमा की संख्या में कमी आ सके। बैठक के दौरान भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती, नौगछिया के एसपी स्वप्ना जी मिश्रा, एडीएम राजेश झाराजा सहित नौगछिया भागलपुर कोर्ट के सभी सरकारी लोक अभियोजक मौजूद थे। स्पष्ट रूप से बता रहे हैं क्या प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि ये डिजाइन हम पूरे भागलपुर में हर सिटीजन को दिखाएंगे, ये देखो हम ये बना रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, ना ही पत्रकारों को देने की आवश्यकता है। वो तो हम लोग आज आपको हम लोग कुछ बनाए थे तो आपको दे दिए, दिखा दिए, लेकिन जो प्रोसीजर है स्मार्ट सिटी का, एक एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं। डीपीआर इतना मोटा होता है, आपको डीपीआर दे दें कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, आरएफपी दे दें कितना मोटा होता है, एक प्रोजेक्ट का एक एक पेज देखना पड़ता है। दूसरा, हमको जो डिजाइन है, जो प्रेजेंटेशन है, जो अप्रूव ड्राइंग है, जो स्मार्ट सिटी का जो प्रावधान है कि आपने जो भी डिजाइन फाइनल किया इन परियोजनाओं का, या जो भी आपने फाइनल आपको लुक देना है, किस तरह का लुक आएगा, क्या स्ट्रक्चर है, ड्राइंग क्या रहेगी, ये सब चीज के लिए एक फोरम बना हुआ है। फोरम बना हुआ है, उसका नाम है CLAF, व्हाट इज द फुल फॉर्म, सिटी लेवल एडवाइजरी फोरम। इसके मेंबर हैं, कौन मेंबर हैं, सारे MLA MP भागलपुर के, और इसकी बैठक होनी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इस कंपलसरी बैठक को ऑर्गेनाइज होता है, उसमें MLA कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं। नवगछिया में मनाया गया कांग्रेस का स्थापना दिवस। नवगछिया अनुमंडलीय क्षेत्र अंतर्गत गौशाला रोड स्थित कैंप कार्यालय में कांग्रेस कमेटी द्वारा एक बैठक जिला उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद सिंह निषाद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस एवं कांग्रेस सेवा दल का 98वां दल दिवस का आयोजन किया गया। मौके पर सभी कांग्रेस जनों ने हाथ में झंडा बैनर लेकर शीतल प्रसाद सिंह निषाद जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में जुलूस निकालकर बाजार होते हुए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद उद्घोष कर मार्च निकालकर पार्टी का संदेशा जन जन तक पहुंचाया। वहीं मौके पर शीतल प्रसाद सिंह निषाद, शीला देवी निषाद, अशोक कुमार सिंह प्रखंड अध्यक्ष गोपालपुर, अजय कुमार सिंह, उमा देवी, वीरेंद्र मंडल, उमेश दास, सुजीत कुमार, मोहम्मद मोइन, चंदन कुमार सिंह, नित्यानंद सिंह सहित कई अन्य उपस्थित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को आज ही के दिन डॉक्टर H.A. हुम साहब ने किया था, झील के किनारे। हम लोग कर रहे हैं पोखर के किनारे। मैं सभी कांग्रेस जनों से अनुरोध करते हैं आपस में बैठ के विचार विमर्श करके संगठन को मजबूत करें और आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय दीजिए। शीतल प्रसाद सिंह, फिर बोलना शुरू से। शीतल प्रसाद सिंह, अपना परिचय दीजिए। शीतल प्रसाद सिंह निषाद, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सह पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी 153 गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र।
कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। भागलपुर जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में प्रमाण पत्र का किया गया वितरण। भागलपुर जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में प्रमाण पत्र का वितरण नौगछिया हाई स्कूल में किया गया। जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव घनश्याम प्रसाद ने बेल्ट प्रमोशन टेस्ट में उत्तीर्ण खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बेल्ट प्रमोशन टेस्ट में उत्तीर्ण खिलाड़ियों को बिहार ताइक्वांडो संघ के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया। वहीं इस अवसर पर ताइक्वांडो कोच मोहम्मद नाजिब, मनीष श्याम कुमार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सह कोच जेम्स, खेल संघ के अखिलेश पांडे आदि उपस्थित थे। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में जिनी खातून, बिट्टू कुमार, मोहम्मद अरमान, अवंतिका कुमारी, कलश कुमारी, अमृत राज, राजा कुमार, शिवम, अभिनव, तन्मय, प्रियांशु, हरिओम कुमार, हर्ष कुमार, प्रिया कुमारी, मीनाक्षी कुमारी, अनन्या कुमारी, सोनाक्षी, अंकित राज, अर्जित आनंद, अनन्या वात्सल्य, पीयूष कुमार वहीं मौके पर कई उपस्थित थे। नवगछिया ई रिक्शा चालक पहुंचे अनुमंडल, नो एंट्री का जताया विरोध। सोमवार को अनुमंडल परिसर नवगछिया में ई रिक्शा चालकों ने नो एंट्री का विरोध जताया। सुबह 10 बजे सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा चालक अनुमंडल परिसर पहुंचे, जहां 1 जनवरी 2021 से शहरी क्षेत्र में लगने जा रहे नो एंट्री का विरोध किया है। साथ ही अपनी मांगों को अनुमंडल पदाधिकारी तक रखा। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि ई रिक्शा का बाजार में प्रवेश की अनुमति हो, अन्यथा किस्त पर लिए गए ई रिक्शा चालकों की आजीविका पर असर होगा। विदित हो कि नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा शहरी क्षेत्र में जाम से निजात दिलाने की दिशा में 1 जनवरी 2021 से शहरी क्षेत्र में 3 के समय नो एंट्री लगाने का आदेश दिया गया है। जाम से निजात दिलाने की दिशा में अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने गौशाला रोड नगर पंचायत कार्यालय के दूरभाष केंद्र के पास तथा स्टेशन रोड में पार्किंग की व्यवस्था की बात कही थी। उन्होंने शहरी क्षेत्र के 65 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने का काम किया जा रहा है। नो एंट्री को लेकर जारी आदेश मुताबिक सुबह 9 के से लेकर रात के 8 बजे तक व्यवसायिक वाहन टेम्पू, ई रिक्शा, ठेला सहित अन्य बड़े वाहनों का नौगछिया बाजार में प्रवेश नहीं होगा। वहां पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाएगी तथा बैरियर भी लगाए जाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि शहर में जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए निर्णय लिया गया है। सभी ई रिक्शा चालकों से उन्होंने नियम का पालन करने को कहा है। लोग किस चीज का हड़ताल किए हैं नौगछिया अनुमंडल में? हम लोग टोटो का हड़ताल किया है, क्योंकि हम लोग को मार्केट में घुसने नहीं दिया जाता है, और जितना भी पैसेंजर है, सवारी है, जो भी है, माल भरा, हम लोग माल उठाते हैं गाड़ी में, बहुत कष्ट होता है, इसलिए हम लोग मीटिंग रखे हैं। कहाँ पे मीटिंग रखे हैं? कचहरी में। कहाँ कचहरी में? कचहरी में भी, नौगछिया कचहरी में। आप अनुमंडल पदाधिकारी से क्या चाहते हैं इसमें? हम चाहते हैं कि हम लोग को रोजी रोटी कमाने दिया जाए, सही से हम लोग बाजार घुसेंगे तभी हम लोग का धंधा पानी होगा, नहीं तो हम लोग का कुछ नहीं होता है। रिक्शा वाला वो टुकिया गाड़ी है, उस पे आदमी लोग बैठ के और माल भर के चल निकल जाता है बाहर का, हम लोग का धंधा नहीं होता है। हम लोग किसी तरह चाहते हैं कि हमारा भी घर परिवार चले, हम भी 2 पैसा कमाएं। हम भी कितने आदमी से आप लोग आज आए हैं यहाँ? हम कम से कम हजारों की संख्या के ऊपर है। हम लोग का संख्या टोटो दिख लीजिए, गाड़ी खड़ा है। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। मास सिकिंग में 59 लोगों एवं 5 वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्रा के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास सिकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को मास सिकिंग अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र के कुल 59 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करने पर जुर्माना किया गया। सभी से पुलिस ने कुल 2950 रुपए जुर्माना वसूल किया है। वहीं इस दौरान 5 वाहन चालकों से 3000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। नवगछिया अनुमंडल अनुश्रवण समिति की हुई बैठक। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में सोमवार को एसडीओ अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन वितरण प्रणाली को लेकर प्रखंडवार समीक्षा किया गया। बैठक के दौरान पिछले बैठक में लिए गए प्रस्ताव पर
सदस्यों एवं पदाधिकारी के बीच चर्चा की गई, जिसमें सदस्यों द्वारा बताया गया कि पूर्व के प्रस्ताव पर काम किया गया है और सुधार भी हुआ है। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। नौगछिया, हाइवा ने मारुति में मारा जोरदार ठोकर। बाल बाल बचे नौगछिया सत्संग मंदिर के फूल बाबा। सोमवार की शाम कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबा विशु राउत पुल पर एक अज्ञात हाइवा ने मारुति कार में जोरदार धक्का मारकर फरार हो गया। धक्का लगते ही मारुति सड़क के एक पार से फेंकाकर सड़क के दूसरे पार जाकर पुल बने रेलिंग में टकराकर बची। उस पर सवार नौगछिया सत्संग मंदिर के फूल बाबा व उनके ड्राइवर बाल बाल बच गए। वहीं धक्का लगने से मारुति कार का अगला और पिछला दोनों गुल्ला पूरी तरह टूट गया। फूल बाबा परासपुर कदवा में श्रवण राय के यहां से सत्संग करा वापस नौगछिया जा रहे थे। इसी बीच पुल पर पीछे से आ रही हाइवा ने धक्का मार दिया। घटना की सूचना मिलते ही गश्त कर रही कदवा थाने की पुलिस के साथ एसआई संजय कुमार यादव मौके पर पहुंचकर सड़क से क्षतिग्रस्त गाड़ी को हटाने का प्रयास कर रहे थे। नवगछिया के मदरौनी चौक पर दो दुकानों में चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित NH 31 मदरौनी चौक पर अज्ञात चोरों द्वारा एक मिठाई और एक किराना दुकान से हजारों नकदी और सामानों की चोरी कर ली गई है। दोनों दुकानों में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मिठाई दुकानदार अनंत प्रसाद शाह ने कहा कि उनके दुकान में रविवार और सोमवार के दरमियान रात को तकरीबन 1 बजे चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 10,000 का रसगुल्ला, 5,000 की नकदी और कई तरह के सामानों की चोरी कर ली है। जब वे सोमवार की सुबह दुकान पर आए तो उन्हें पता चला कि उनके दुकान में चोरी हो गई है। इधर किराना दुकानदार सोहरा गद्दी निवासी रंजीत कुमार के दुकानों में भी चोरों ने ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी और सामानों की चोरी कर ली है। वहीं थाना अध्यक्ष महताब खान ने कहा कि दोनों मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को पहचानने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही दोनों मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। चोरी की घटनाओं से मदरौनी चौक के दुकानदारों में दहशत का माहौल है। नौगछिया के साहू पर्वता बाजार स्थित किराना दुकान में हुई चोरी। नौगछिया के पर्वता थाना क्षेत्र के साहू पर्वता बहियार में अज्ञात चोरों ने एक किराना दुकान से हजारों रुपए की चोरी कर ली है। पीड़ित दुकानदार ने कहा कि चोरों ने उनके दुकान से नकदी और सामान की चोरी कर लिया है। चोरी की घटना से उन्हें तकरीबन 35,000 का नुकसान हुआ है। सुबह दुकानदार ने घटना की सूचना मुखिया प्रतिनिधि आमोद कुमार साहू को दी। श्री साहू ने घटना की सूचना पर्वता पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पर्वता पुलिस ने मामले में छानबीन की है। पुलिस ने पीड़ित दुकानदार को आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा और चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नौगछिया स्टेशन रोड स्थित मेडिकल स्टोर में चोरी। चोरों ने उड़ाया हजारों का माल। नौगछिया स्टेशन रोड स्थित नौगछिया के मनियामो निवासी मुख्तार अहसन के मेडिकल स्टोर से अज्ञात चोरों ने हजारों रुपए की चोरी कर ली है और दुकान को तहस नहस कर दिया है। दुकान मालिक ने मामले की प्राथमिकी नौगछिया राजकीय रेल थाने में दर्ज कराई है। दुकानदार ने बताया कि वह सुबह घर में थे। उनके बगल में ही मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले दुकानदार ने फोन पर बताया कि उनके दुकान में चोरी हो गई है। जब वे दुकान पर आए तो उन्होंने देखा कि दुकान के पीछे वाले वेंटिलेशन को तोड़कर चोर दुकान में दाखिल हुआ। उन्होंने बताया कि चोरों ने काउंटर के दराज में रखा 9,000 रुपए और एक बैटरी व इन्वर्टर की चोरी कर ली है। वहीं मालूम हो कि स्टेशन रोड में चोरी की घटनाएं अब आम हो चुकी है। चोरों के आतंक से स्टेशन रोड के दुकानदार दहशत में है। नौगछिया रेल पुलिस ने दुकानदार को जल्द से जल्द घटना का उद्भेदन करने का आश्वासन दिया है। नवगछिया, मारपीट करने का आरोप लगाकर थाने में दिया आवेदन। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया मकनपुर निवासी पिंटू कुमार शाह ने अपने दोनों भाइयों सिंटू कुमार शाह व मंगल कुमार शाह पर जान मारने की नियत से मारपीट करने का आरोप लगाकर थाने में अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। गोपालपुर थाने से मिली जानकारी के अनुसार आवेदन के आलोक में जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें
8340371787 7325052437। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। फूड प्लाजा की प्रस्तुति न्यू ईयर 2021 पार्टी सेलिब्रेशन 31 दिसंबर थर्सडे संध्या 6:30 बजे डीजे वेट्स डीजे म्यूजिक एवं सिंगिंग के साथ फूडिंग सॉफ्ट ड्रिंकिंग फ्री। बस एंट्री चार्ज मात्र 599 में एवं बच्चे की एंट्री 399 में, जिसमें एक ही टिकट में कपल या फैमिली की एंट्री टिकट की बुकिंग शुरू है। संपर्क करें फूड प्लाजा के रिसेप्शन काउंटर या कॉल करें 7992499821। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स प्रोफेसर कॉलोनी नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूरी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।